हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मानसिंह, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक नई डीमैट अकाउंट के बारे में बता रहा हूँ। इसमें रेफर एंड अर्न का बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, मैं इसीलिए इसको अपने चैनल पर लेके आया हूँ। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है एस्प्रेसो। जी हाँ दोस्तों, एस्प्रेसो भी एक डीमैट अकाउंट है। इसमें आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके रेफर एंड अर्न के द्वारा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इसमें अकाउंट ओपन कैसे करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रेफर एंड अर्न का क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कैसे लिंक निकालती हैं और कैसे आपको पैसा कमाना है। पूरा इसका रेफर एंड अर्न का डैशबोर्ड है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले जान लेते हैं कि अकाउंट ओपन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, एक्सप्रेसो में अकाउंट बनाने के लिए लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद स्टार्ट एंड रिज्यूम एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कैप्चा आ जाएगा, तो वो कैप्चा आपको फिल करना है। उसके बाद दोबारा से आपको स्टार्ट एंड रिज्यूम एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, जैसे कि मैं अभी कर लेता हूँ। तो दोस्तों इतना करने के बाद जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी गया है, वो ओटीपी देख के आपको यहाँ पर डालना है, तब जाके आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता है तो आप रीसेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको इधर अपना नाम डालना है, ईमेल एड्रेस और सिटी का नाम डालना है। ये डालने के बाद आपको कंटिन्यू करना है, तो थोड़ी सी ये प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद दोस्तों आपको पैन कार्ड का नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो मैं अपने पैन कार्ड का नंबर इधर फिल कर देता हूँ। सेम आपको भी डालना है। और दोस्तों फिर आपके सामने कैलेंडर आएगा, तो कैलेंडर में से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। तो इसको थोड़ा सा सावधानी से करें, तो मैंने कर लिया है। अभी मैं इसमें 10 तारीख 10 अप्रैल है मेरी डेट ऑफ बर्थ, तो दोस्तों ये मैंने कर दिया। अब आपको बैंक डिटेल देना है, तो बैंक डिटेल में आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसमें पेटीएम बैंक चलता है या फिर नहीं चलता है। मैंने इसमें अपना पेटीएम पेमेंट बैंक का ही अकाउंट लगाया है। उसके बाद अकाउंट नंबर और दोबारा से अकाउंट नंबर, उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद ये प्रोसेसिंग लेता है थोड़ी, तो अभी इसको मैं हो जाने देता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ ज्यादा ही। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन आएगा, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो इसमें जो जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं उसको मैं अपलोड कर दूंगा, और इसमें एक वीडियो केवाईसी भी होती है, तो वो भी करना है। तो दोस्तों अभी मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। एड्रेस प्रूफ की बात करें तो आप इसमें डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्टार्ट पर क्लिक करके, और आप इसमें ऑनलाइन भी अपना जो एड्रेस है तो उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं अपने आधार कार्ड का नंबर डालकर नेक्स्ट करूँगा, तो आधार कार्ड पर एक ओटीपी जाएगा, दो जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, तो अभी मुझे मिल चुका है, मैंने डालकर और कंटिन्यू कर दिया है। तो उसके बाद इस तरीके से पेज आएगा, तो ये आपको अलाउ कर देना है, तब जाके आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको दोस्तों ये सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे पैन कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इसमें पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं या फिर आप इसमें फ़ोटो भी खींच सकते हैं। तो अभी मैं अपलोड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, और मेरी जो गैलरी में पैन कार्ड का फ़ोटो है तो मैं उसको ले लूँगा। यहाँ पर आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, उसके बाद आप कंफर्म करेंगे तो ये कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद इसमें ओके का सिंबल आएगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड कर देने या फिर आप इसमें सिग्नेचर ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने सिग्नेचर जब ड्रॉ किया था तो ये ऑटोमेटिक क्रैश हो गया, ठीक है। तो अब ये मुझे शुरू से करना पड़ेगा, तो मुझे दोबारा से जैसे कि स्टार्टिंग में ही आपको मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद फिर से ये वाला आएगा, कोड आएगा, ठीक है, कैप्चा कोड बोलते हैं, तो वो आपको डालने के बाद स्टार्ट एंड रिज्यूम पर दोबारा से क्लिक करना है। फिर से ओटीपी आएगा, वो ओटीपी भी आपको डालना है। जब आप ओटीपी डाल दोगे तो सीधा आपको वहीं पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपका अकाउंट ये क्रैश हुआ है। तो अभी जैसे कि ये प्रोसेसिंग होने के बाद मुझे इसने यहाँ पर भेज दिया है, तो अभी सिग्नेचर पर छूटा था, तो मैं इसमें अपने सिग्नेचर द्वारा से कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे सिग्नेचर भी हो गए हैं। अब दोस्तों इसके बाद टेक सेल्फी पर, इधर अभी हमारी जो रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और मैं इसको दूसरे पार्ट में रिकॉर्ड करता हूँ। तो फ्रेंड मैंने कैमरा की परमिशन को अलाउ किया, उसके बाद मैंने पेपर पर आज का डेट डाला,
और उसको साथ में लेके मैंने अपना फ़ोटो खींच लिया और मैंने सबमिट किया, तो अभी कुछ ही देर में ये फ़ोटो अपलोड हो जाएगा, कंफर्म और करना है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको भी डेट के साथ में अपना फ़ोटो खींचना है, लेकिन दोस्तों अभी आप इसमें देख पाओगे तो जब ये क्रैश हुआ था तो इसमें से वीडियो वाला ऑप्शन चला गया है, तो अगर आपका आता है तो आप वीडियो ज़रूर अपलोड करें। उसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट इसमें आता है डॉक्यूमेंट ऑप्शनल है, अगर कोई नहीं है तो आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें तो आपके सामने ये अदर इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन आएगा, तो आपको इधर सारी की सारी जानकारी फिल कर देनी है। आपकी जानकारी जो भी है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर देंगे, अदरवाइज जिस तरीके से मैं इसमें फिल कर रहा हूँ आप वैसे भी फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप अपना काम करते हैं या फिर जॉब करते हैं तो वो आप यहाँ पर डाल दें, तो मैं सोशल मीडिया पर काम करता हूँ तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद मुझे यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहे हैं तो वो सिलेक्ट कर लेना है, आपको भी कर लेना है, इसमें आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बड़ी क्या छोटी भी नहीं है। उसके बाद आपको अपनी जगह का नाम डालना है जहाँ पर आपका जन्म हुआ था, ठीक है, वो डालने के बाद ये जानकारी हमारी फिल कर दी है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा, लेकिन दोस्तों इसमें फादर्स नेम है तो वो मैं नहीं डाल पाया था, तो अभी मैं उसको डाल देता हूँ। उसके बाद फिर मैं इसमें नीचे जाऊँगा और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा, तो दोस्तों इसमें नीचे अभी एक ऑप्शन और ऐड हो चुका है, वो है नॉमिनेशन वाला, तो अगर आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो मैं इसको नो पर रहने देता हूं और मैं आगे करता हूं, मतलब कि सेव एंड कंटिन्यू। तो इधर आपको अभी मेल वेरीफाई करना है तो काइंडली वेरीफाई पर आप क्लिक करेंगे, तो इतना करने पर ही आपके मेल पर एक OTP भेज दिया जाता है, लेकिन दोस्तों जब इसी मोबाइल में अगर आपका मेल खुला हुआ है तो आपको उसको थोड़ा सा जुगाड़ से देख सकते हो, अगर आप शुरू से मतलब कि उसको छोड़ के जाते हो तो ये क्या है कभी कभी फिर से शुरू से करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पर मेल देख लिया है, तो आपको भी इसी तरीके से मेल देख लेना है और यहाँ पर डाल देना है, और दोस्तों अभी यहाँ पर ये सक्सेसफुली मेल वेरीफाई हो चुका है, अब यहाँ पर आप नीचे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये आपको इधर ई साइन करने के लिए बोलेगा, तो उससे पहले आपको PDF डाउनलोड करना ज़रूरी है, तो आप करेंगे प्रोसीड विथ ई साइन पर क्लिक करोगे तब भी दोस्तों ये आपको PDF डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, आपको एग्री करना है, तो डाउनलोड मैंने कर लिया है लेकिन वो पार्ट मैंने अभी थोड़ा सा कट कर दिया था, ठीक है। अब दोस्तों ये आपको NSDL की वेबसाइट पर भेजेगा, तो इधर आपको क्या करना है, इस पर टिक करना है और अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है, आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करना है, तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, वो OTP फिर से आपको यहाँ पर डाल देना है, जिस तरीके से आपने एड्रेस वेरीफाई किया था उसी तरीके से NSDL पर भी आपको अपनी OTP से वेरीफाई करना है। OTP डालने के बाद ये थोड़ी सी बफरिंग लेगा, मतलब कि ये प्रोसेस आपका चल रहा है। उसके बाद दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पर जो आपका काम है तो वो ख़त्म हो जाता है, अभी आपका एप्लीकेशन स्टेटस है तो वो आपके द्वारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी ये कंपनी के रिव्यू में है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रेडिंग करने के लिए रेडी हो जाएगा, आपके पास यूजर आई डी और पासवर्ड आ जाएगा, आप लॉगिन कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से आप एक्सप्रेसो में आसानी से अपना डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं कि इसमें रेफर करके किस तरीके से पैसा कमाना है। अब दोस्तों मैं इसमें आपको रेफर एंड अर्न बता रहा हूं, तो रेफर एंड अर्न के लिए आपको अपना गूगल ओपन करना है और इसमें सर्च करना है एक्सप्रेसो रेफर एंड अर्न। तो दोस्तों जब आप एस्प्रेसो रेफर एंड अर्न सर्च करोगे तो आपके सामने ये वाला वेबसाइट आएगा, माई एस्प्रेसो रेफरल, तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों इसमें आपको पर रेफर 600 रुपये मिलेगा, जो कि कुछ इस तरीके से मिलेगा कि आपका फ्रेंड अकाउंट ओपन करेगा और अकाउंट ओपन करने के बाद वो उसी मंथ ट्रेड करेगा, जैसे कि अप्रैल में अगर उसने अकाउंट ओपन किया है तो अप्रैल में ही वो ट्रेड करता है, तब जाके आपको पैसा मिलेगा नेक्स्ट मंथ 10 तारीख को, ठीक है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। और दोस्तों ये ट्रेडिंग करने के लिए ब्रोकरेज वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, तो दोस्तों आप इसमें यहाँ से अपना लिंक निकाल सकते हो, तो लिंक निकालने के लिए आपको क्या करना है, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 6417 83। दोस्तों इतना डालने के बाद मैं गो पर क्लिक किया हूँ, तो दोस्तों ये अभी यहाँ पर रेफर लिंक आ गई, मैं इसको यहाँ पर कॉपी भी कर सकता हूँ, तो मैं इसको जिसको भी चाहूँ उसको रेफ़र कर दूंगा, ठीक है, या फिर मैं डायरेक्ट इसको सीधा व्हाट्सअप पर जाके किसी को शेयर कर सकता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर रहने देता हूँ, ठीक है, मैं तो जस्ट आपको सिखा रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर इस पर क्लिक करके आपको इसमें लॉगिन कर लेना है, तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है वही आपका यूजर आईडी है, 5975 64 17 83 ये मैंने डाल दिया। अब उसके बाद दोस्तों जो मैंने पासवर्ड बनाया है तो मैं पासवर्ड को यहाँ पर डाल देता हूँ, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। तो अभी आप यहाँ पर दोस्तों लॉगिन इसमें हो चुके हो। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, आपका पूरा का पूरा डैशबोर्ड मिलता है जहाँ से आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि हमारे भाई की आईडी है मायराम की, ठीक है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर मैं रेफरल डैशबोर्ड पर जाता हूँ,
तो मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे सारी जानकारी दिख रही है कि कितने अकाउंट अभी मतलब कितने लीड आई हैं, कितने अकाउंट ओपन हो चुके हैं, ठीक है, ट्रिगर्ड यूजर कितने लोगों ने ट्रिगर्ड की है, वो सारी चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। टोटल अर्निंग कितनी है, तो ये अर्निंग नेक्स्ट मंथ आ जाएगी दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है योर अर्निंग विल बी क्रेडिटेड इन योर एक्सप्रेसो अकाउंट ऑन द 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब कि अभी यहाँ पर जो अर्निंग दिख रही है वो मुझे 10 तारीख को रिसीव हो जाएगी नेक्स्ट मंथ। चेंज टू दिस अमाउंट आर डिस्प्लेड विद इन 48 आवर्स। तो दोस्तों अभी यहाँ पर 1200 रुपये ही दिख रहे हैं, जबकि मैंने यहाँ पर ज़्यादा लोगों को रेफ़र किया तो मुझे पेमेंट ज़्यादा आना चाहिए था, तो अभी वो 48 घंटे में अपडेट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर दिखने लगेगा। तो अभी मैं इसको छोड़ता हूँ। अब दोस्तों आपको जिसको भी लिंक रेफ़र करना है तो यहाँ पर उसका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डाल के उसको आप सीधा इनवाइट कर सकते हो। अब दोस्तों इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें बी मोर पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि किसका अकाउंट इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो उन लोगों को आप फिर बाद में उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है तो उनको बोल भी सकती हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख जाता है, ठीक है, और कौन कहाँ से ये सारी चीज़ आपको दिख रही हैं, तो आप उनको कॉल करके भी बोल सकती हो कि भाई इस अकाउंट को आप कंप्लीट कर लो। तो फ्रेंड अभी मैंने आपको फुल एक्सप्लेन कर दिया है कि एस्प्रेसो में कैसे डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, कैसे किसी को लिंक रेफर करते हैं, फिर कैसे उनकी आप डिटेल देख सकती हो कि कौन सा अकाउंट आपका कंप्लीट हुआ है या फिर कौन सा अकाउंट इनकम्प्लीट है, मतलब कि मैंने आपको डैशबोर्ड के बारे में भी समझा दिया है। अगर अभी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और आपका कोई फ्रेंड है जिसको आप एस्प्रेसो में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं उसको हमारा ये वीडियो रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही था, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।